स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने आज सोलन में मोहन पार्क के समीप खंड विकास कार्यालय का शिलान्यास किया, जो कि करीब 2 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। तदोपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने ICDS दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में मातृशक्ति का अमूल्य योगदान है, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ICDS दिवस पर उन्होंने ICDS विभाग द्वारा पोषण पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया व उसे सराहा, साथ ही पोषण माह का समापन भी किया। आज बहुत शुभ दिन है, महाअष्टमी का दिन है और इस दिवस की मैं अपनी ओर से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अत्यंत पवित्र दिवस के अवसर पर खंड विकास कार्यालय सोलन का शिलान्यास यहाँ पर आज संपन्न हुआ है और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और बहुत शीघ्र जो है ये भवन बन करके तैयार होगा। इससे पहले जो हमारा खंड विकास कार्यालय था तो अब वो नेशनल हाईवे के साथ जो है बिल्कुल आ गया है और वहाँ पहुँचना, गाड़ियाँ खड़ा करना इत्यादि जो है वो बहुत मुश्किल है। पंचायत प्रतिनिधियों को और हमारे जो BDC मेंबर्स हैं उनको, उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसके निष्पादन में जो है बहुत कठिनाई आती थी और अब एक भव्य भवन बन करके तैयार होगा और स्थान भी बहुत खुला है, अच्छा है, माकूल है और मैं समझता हूँ कि अब और भी अच्छी तरह से हमारे जो पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं अपनी जिम्मेदारियों का निष्पादन जो है और बेहतरी से कर पाएंगे, क्योंकि नवरात्रि जो हैं ये दिन देवियों को समर्पित होते हैं और ICDS विभाग जो है ये सारा जो है जो रीढ़ की हड्डी हैं वो हमारी बहनें हैं जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आज उनका भी एकत्रीकरण है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और समाज को भी बांधने में बहुत बड़ा योगदान जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। हमारी सरकार ने उनका विशेष ध्यान रखा है, समय समय पर उनके मानदेय में उचित वृद्धि जो है वो की है। कोरोना काल में भी बहुत बड़ा योगदान जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का रहा है, कोरोना पेशेंट्स की देखभाल में, उसके बाद वैक्सीनेशन में उन्होंने जो काम किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है।